यह जो हाथ में हथकड़ी लगे लोगों को देख रहे हैं, यह सभी सरकारी विभाग में अनुबंध पर काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर हैं, और इनके द्वारा सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा लागू शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते हुए इसकी धज्जियां उड़ाते पाए गए हैं। हमारा मतलब नहीं होता मामला से, हमारा हेल्थ चेकअप क्या होता है, अब किस मैटर में है, क्यों हुआ, उससे मतलब नहीं है। दरअसल ये सभी जिला परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं और अपने परिसर स्थित डीटीओ ऑफिस में शराब पार्टी करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। फिलहाल कर्मचारियों में 6 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 1 प्रोग्रामर शामिल है। दरअसल सीनियर एसपी को यह गुप्त सूचना मिली थी कि परिवहन विभाग के परिसर में शराब पार्टी चल रही है, जिसके बाद सिटी एएसपी पूरन झा के नेतृत्व में जोगसर थाना पुलिस ने परिवहन विभाग के कार्यालय पर अचानक धावा बोल दिया, जिसके बाद लाल पानी का सेवन करने वाले 7 शराबियों को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार परिवहन विभाग के सभी कर्मी भागलपुर जिले के आसपास के रहने वाले हैं। गिरफ्तार शराब कर्मचारियों में खगड़िया के गोगरी जमालपुर निवासी दीपक कुमार, गोड्डा जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के रोहित कुमार, कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र के संजीव कुमार सिंह, राजीव कुमार, पवन कुमार, अजीत कुमार सिंह व सुपौल के ललन कुमार शामिल है। सभी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजकर भागलपुर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। वहीं परिवहन विभाग के द्वारा गिरफ्तार डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर का अनुबंध समाप्ति की तैयारी विभागीय स्तर पर करने की बात कही गई है। सरकारी महकमे से संबंध होने के कारण इस पूरे मसले पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से परहेज करते दिखे। हालांकि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया है, सभी निगेटिव पाए गए हैं। साथ ही गिरफ्तार सभी कर्मचारियों का अल्कोहल टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भी लिया गया है। 7 लोगों को लाया गया, 7 लोगों को लाया गया, अब जो भी थे उसे ठीक है, हमें मतलब नहीं, जो भी थे, हमें जो भी आया पुलिस वाला जाने क्या है नहीं है, हमें बेटर से हमें हेल्थ चेकअप बनाना होता है। बाकी उनका जो भी सैंपलिंग होगा को मायागंज में होगा, मायागंज अस्पताल अभी रिफर किया है वहाँ पे रिपोर्ट। देखिए अब तो बता दें आपको, हमारा नहीं है काम, ने उसको कहना कि क्या वजह से आया था, अब पुलिस वाले से आप पूछ सकते हैं, उसके लिए पुलिस क्यों ले जा रही है उनको थाना, हमारा मतलब नहीं होता, हमें हम तो डॉक्टर है, अब किस कारण वो जेल जा रहा है हमारा उससे नहीं होता है मतलब, हमारा हेल्थ चेकअप के लिए आता है, हमारा हेल्थ चेकअप ठीक है, पेशेंट जेल जाने के लायक है कि नहीं है उसको करना होता है। फिट है अभी, वैसे तो फिट है, बट जो बता रहे हैं ये लोग कि कुछ मेडिकल ब्लड सैंपल होना है, जो भी अल्कोहल जो भी किया हुआ है वो तो कोविड टेस्ट किया गया है, सब नेगेटिव है, उसमें कोविड का कोई दिक्कत नहीं है।